भारत देश के गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनाथ सिंह आज गुना पहुंचे, जहां उनकी अगवानी के लिए पहले से पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद था। बता दें कि राजनाथ सिंह की सुरक्षा के लिए 3 राज्यों से पुलिस बुलाई गई थी, वहीं एनएसजी के जवान भी मुस्तैद खड़े हुए थे। सभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी अपने सिविल ड्रेस में भी खड़े हुए थे, वहीं उनकी चौकसी के लिए प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। पिछले 2 दिनों से चली आ रही तैयारी को आज धरातल पर स्थापित किया गया। वहीं अपने तयशुदा समय से तकरीबन 1 घंटा लेट पहुंचे राजनाथ सिंह। देखा गया कि जिस तरह से लोकसभा प्रत्याशी केपी यादव के प्रचार प्रसार के लिए राजनाथ सिंह यहां आए थे, उस हिसाब से भीड़ यहां मौजूद नहीं थी। वहीं सूत्रों के हिसाब से बताया गया कि राजनाथ की सभा को सफल बनाने के लिए गांव-गांव से लोगों को बुलाया गया था, हालांकि इस बात की पुष्टि कोई भी नहीं करता है। वहीं राजनाथ सिंह ने जैसे ही मंच पर चढ़े तो अपने भाषण में सबसे पहले उन्होंने भारतीय सेना का नाम लिया, साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर भी वोट मांगे। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस की पार्टी हमेशा से ही देश विरोधी कामों में लगी रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही, जो कि एक सैटेलाइट के बारे में थी, जो 2007 में बनके तैयार हो गई थी, लेकिन मनमोहन सरकार ने उसको अप्रूवल नहीं देने के चलते वह मोदी सरकार के द्वारा अप्रूव की गई। वहीं उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया, वहीं पुलवामा में हमले में शहीद हुए शहीदों का बदला लिया। देखने लायक हो गए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि कोई भी भारतीय सेना या फिर सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से वोट नहीं मांग सकता, उसके बाद भी लगातार देखने में आ रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने वोटों की गुहार लगाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक तक का भी नाम ले रहे हैं। इसके साथ ही अपने भाषण में उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत ने 2014 के बाद अपने विकास दर को बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत पहले 10 देशों में भी नहीं आता था, लेकिन अब अंडर 10 आ चुका है। वहीं उन्होंने एक संस्था का नाम लेते हुए कहा कि अमेरिका की संस्था ने जब भारत में 2016 में सर्वे किया था, तब भारत में अति गरीबी सबसे ऊपर थी, लेकिन 2019 के आते ही जब ये सर्वे दोबारा किया गया तो गरीबी बहुत कम हो गई। साथ ही उन्होंने डॉक्टर केपी यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के गुना अशोकनगर शिवपुरी के प्रत्याशी हैं, उनको भी वोट देने की अपील की, और साथ ही कहा कि यदि आप राजनाथ सिंह को दोबारा बुलाना चाहते हैं तो डॉक्टर केपी यादव को वोट देकर जिताएं। जिस हिसाब से राजनाथ सिंह की चौकसी और व्यवस्था की गई थी, उस हिसाब से वहां पर भीड़ देखने को नहीं मिली। इतनी भीड़ तो एक आम नेता के आने पर भी हो जाती है। वहीं कई जगह पर देखा गया है कि जब डॉक्टर केपी यादव ने अपनी आम सभा को संबोधित किया है तो जितनी ज्यादा भीड़ आज राजनाथ सिंह की सभा में थी, उससे कई गुना ज्यादा भीड़ उस सभा में होती है। लेकिन बहना भाइयों, जब आपने दिमाग पर जोर डालिए, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और उसके बाद 2004 में चुनाव हुआ, और जब हमारे नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, 2019 में चुनाव हो रहा है। बहनों भाइयों, इन दोनों चुनावों में भले ही अन्य मुद्दे चुनाव में चर्चा के विषय हों, लेकिन महंगाई मुद्दा नहीं बनने पाया है। बहनों भाइयों, हमारे अटल जी ने भी महंगाई को रोकने में कामयाबी हासिल की थी, और साथ ही साथ नरेंद्र भाई मोदी ने भी महंगाई को रोकने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां पर महंगाई 10-12% है, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, उन्होंने महंगाई को भारत में बहनों भाई और 2-3% से अधिक नहीं बढ़ने दिया। हम लोगों ने बहनों भाइयों, हम लोगों ने बाघा बॉर्डर पाकिस्तान की महंगाई को पार नहीं करने दिया और भारत में महंगाई को नहीं बढ़ने दिया। यह इसलिए हो पाया कि हम लोगों का आर्थिक प्रबंधन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट इतना शानदार था, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर भी हम लोगों ने करारी चोट पहुंचाई, इस कारण महंगाई नहीं बढ़ने पाई। और देश को किस तरीके से हम लोगों ने चलाया है, और मैं यह भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई भी बात गलत हो, हमारे प्रेस के दोस्त ये लिख देंगे कि राजनाथ सिंह आए थे या फला चीज गलत बोल कर गए हैं, मेरी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि जिंदगी में मैंने जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डाल कर राजनीति की है। नरेंद्र भाई मोदी को हम लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उस समय प्रोजेक्ट किया, 2014 में हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के टॉप के 10 देशों में 9वें स्थान पर रहा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया को इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि 2014 में जब चुनाव हो रहा था, तब है यह भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में 9वें स्थान पर खड़ा था, और नरेंद्र भाई मोदी ने ऐसा करिश्माई काम किया कि 4 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत
नवे स्थान से जंप लेकर आज छठे स्थान पर पहुंच गया है। आते आते यही हमारा भारत जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, 2030-2031 आते आते रूस, चीन और अमेरिका जो दुनिया के ताकतवर देश और धनवान देश माने जाते हैं, उनमें एक देश को पीछे छोड़कर हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो। मैं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया की मानी जानी संस्था उसने भी कहा है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, दुनिया के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रही। सारी दुनिया में यह धारणा थी कि भारत यह गरीब देश है, लेकिन अब भारत के बारे में सारी दुनिया में यह धारणा बदल गई और यह कांग्रेस, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों, चाहे हमारे राजीव जी रहे हों, अब राहुल गांधी आए। बहनों भाइयों, जब जब चुनाव आया है तब तब इन लोगों ने गरीबी हटाने की बात की है और यह भी गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। मैं जी का करिश्मा था बहनों भाई, और मैं यकीन दिलाता हूँ यदि हम लोगों को 7-8 वर्ष और काम करने का मौका मिल गया, भारत के अंदर मेरे बहनों भाइयों एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने को मजबूर है। आप ये कहेंगे कि क्या हो गया, शायद आपको याद ना आता हो, शायद आपकी समझ में बात ना आती, लेकिन मैं बताऊं भारत क्यों आगे बढ़ा, क्यों गरीबी कम हो रही। कांग्रेस का शासन था, प्रधानमंत्री आवास योजना हमने प्रारंभ नहीं की, मोदी जी ने प्रारंभ नहीं की, कांग्रेस ने प्रारंभ की, लेकिन इनके हाथ, जब इनकी सरकार थी, इनके सरकार की काम करने की शैली या कैसे काम करते थे और हमारी सरकार कैसे काम करती थी, अंतर मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन ली। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2008 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों ने 25 लाख आवास बनवाए, मान लिया ओके, लेकिन हम लोगों की सरकार ने रहने वाले 2014 से लेकर 2018 समाप्त होते थे 1,30,00,000 मकान बनाकर जनता के हवाले कर दिए। ये हमारे काम करने की शैली, ये हमारे काम करने का तरीका, कोई खंडन करे इसका? मैं दावे के साथ करता हूं, यहां भी जो लोग बैठे हैं इनमें भी कुछ लोग जरूर होंगे जिनके घर हमारे प्रधानमंत्री ने गैस का सिलेंडर पहुंचाया, जरूर होंगे। मैं तो यह हाथ उठा नहीं है, बताइए।